न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जय जयकारा है ललकारा, अब तो हम कर दे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है। इसी बीच बात रेवाड़ी विधानसभा सीट की करने लगे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने शहर में जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर इस सीट पर न केवल राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं बल्कि इस शक्ति प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ को देख राजनीतिक गलियारों में चिरंजीव राव के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि चिरंजीव राव का नामांकन कराने स्वयं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे और इतनी भारी भीड़ को देख हुड्डा भी अपने भाषणों में चिरंजीव राव को जीत का आशीर्वाद देते हुए रेवाड़ी का भविष्य बता गए। हालांकि चुनाव होने में अभी करीब 25 दिन का समय शेष है लेकिन चिरंजीव राव ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर इस सीट पर माहौल जरूर बदल दिया है। नामांकन भरवाने में अपने अजीज चिरंजी का आया हूँ। बहुत अच्छा इनका विधायक आपने बनाया। विधानसभा में खूब आपने विपक्ष में आवाज उठाई उन्होंने आपके इलाके की और इनका भविष्य उज्जवल है। जवान है तो आप भाई जितनी ज्यादा वोट उसे जिताओगे उतना ही इनका भविष्य बनेगा। अपने प्रदेश का फिर से नंबर एक बनाना है पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।